शुक्रवार को दिग्रस नगर परिषद के कुछ पार्षदों सहित अन्य 15 लोगों पर दर्ज किए गए मामलों का शनिवार को सर्वपक्षीय विरोध किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के नाम लिखे गए ज्ञापन में सभी दल और संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उक्त मामले वापस लेने की मांग की है। शिव जयंती के मौके पर कोविड-19 के नियमों और दिशा निर्देशों को ताक पर रखते हुए डीजे बजाने और वाहन रैली निकालने वालों के खिलाफ दिग्रस पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें शिवसेना गट नेता तथा उपाध्यक्ष अजिंक्य मात्रे, पार्षद केतन रत्न पारखी सहित अन्य 15 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। दिग्रस पुलिस की इस कार्रवाई को ज्यादती करार देते हुए शनिवार को दिग्रस पुलिस थाने में पहुंचकर सर्वपक्षीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप भुजबल के नाम लिखे गए ज्ञापन में कथित मामलों को वापस लेने की मांग की गई है। इस मौके पर अन्य पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोगी पार्षदों सहित अन्य युवा कार्यकर्ताओं का बचाव किया। ये 50 बच्चों ने रैली निकाले, उन पर बेगुनाह ये केसेस करे गए, ये कैसे त्वरित मांगे लेने को होना, नहीं तो हम शांतता समिति से हमारे राजीनामे देने को तैयार है। और यहाँ पर एक पक्ष के लोग नहीं है, सभी पक्ष के लोग है और सभी पर के गुन्हे मांग पीछे लेना चाहिए। या पुलिस प्रशासनाचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासाठी 100 गुन्हे जरी दाखल झाले तरी आम्हाला फरक पडणार नाही। मालूम हो कि थानेदार सोनाजी आमली बंदोबस्त के लिए यवतमाल रवाना होने से शनिवार की दोपहर को दिग्रस पुलिस के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने आए सभी दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ा। इसी बीच दिग्रस पुलिस थाने की उक्त कार्रवाई को किसी ने ज्यादती करार देते हुए अनुचित बताया तो किसी ने मामले वापस लेने की गुजारिश करते हुए शहर की शांति आपसी सौहार्द की दुहाई भी दी। शिव जयंती मनाने की कोशिश की, फिर भी हमारे दिग्रस नगरी के थानेदार सम्माननीय आमले साहब ने उन पर कार्रवाई की। उस कार्रवाई का निषेध करने के लिए हम सब लोग सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय यहाँ पुलिस स्टेशन आए और इनके ही मार्फत सम्माननीय भुजबल साहब को निवेदन देने के लिए आए। किसी का पार्टी का कार्यकर्ता इसमें नहीं है, किसी पक्ष का कार्यकर्ता नहीं है, हम सब लोग सर्वधर्मीय सर्वपक्षीय और प्रशासन के खिलाफ में ये हमारा निवेदन है। धन्यवाद। पुलिस प्रशासनाला माझी विनंती आहे, ज्याप्रमाणे याच्या अगोदर आपण अनेक कार्यक्रमांमध्ये कानाटोळा करून गावातील एकता, गावातील एकोपा, सर्वधर्मीय समभाव हा अबाधित ठेवला, त्याच पद्धतीनं याही उत्सवाच्या बाबतीत काही आमच्या मुलांकडून चूक झाली असेल तर ती चूक काही अक्षम्य अपराध नाही। त्यामुळं या गावातील पायंडा ज्या होता तोच कायम ठेवून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची मागणी पुलिस प्रशासनाला मी करतो। गौरतलब है कि शिवाजी जयंती की पूर्व संध्या पर 18 फरवरी गुरुवार को जयंती के संदर्भ थानेदार के साथ आयोजित कार्यक्रम को सादे तरीके से मनाने की भी चर्चा की गई थी। बावजूद इसके दिग्रस पुलिस थाने की ओर से उक्त कार्रवाई में 15 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, जिसके तत्काल वापस लेने की मांग उक्त ज्ञापन में दी गई है। देखना होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक कथित मामले वापस लेने की इन मांगों को और भी गंभीरता दिखाते हैं या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।